आप देख सकते हैं, पहले तो जानकारी ये मिली थी कि एक व्यक्ति का शव है, लेकिन अब जानकारी मिली है कि एक महिला का शव है। सोना देवी उनका नाम है, 61 साल उम्र है। परिवार के लोग कहीं गए हुए थे, इस समय आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद मामला है, इतना तो काम कभी भी नहीं कर सके दिया, इतने जोन ले उतरे उठते ही सुना। अरे जोन साहब, वो भी कल की मरी है, क्या तक कहाँ नहीं मरी है यार, तो कल का मरे ऐसी यार। बाहर गए हुए थे जी आप कहीं? पूरी या व्यक्ति में तो माज रखते हैं कोस में। फोरेंसिक टीम में मामले की पूरी गहनता से छानबीन करती हुई नजर आ रही हैं। फोरेंसिक टीमों ने मौके से जो है सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं थाना SHO मौके पर हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर हैं और मामले की पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है। एक महिला का शव है, पहले जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति का शव है, लेकिन एक महिला का शव जली हुई हालत में इस कोठड़ी से बरामद होता है। ये जरूर मारी। तो दुश्मनी थी, जमीनी विवाद था कोई? थाना कुंजपुरा SHO इस समय दर्शन सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। दर्शन जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक महिला का शव जो है कोठड़ी से मिलता है जली हुई हालत में, क्या कुछ निकला मामले में? सर, अभी अनुसंधान का विषय है और FSL टीम बुलाई गई है और अभी जांच जारी रहेगी, इसका बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। तो बता रहे हैं कि घर पे कोई नहीं था या जब हुआ यह हादसा? नहीं, इसी बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये इनका ये कहना है, हमें हमारी जानकारी। तो बता रहे हैं कि जमीनी विवाद चल रहा है, मारी गई है, कोई साजिश के आरोप लगा रहे हैं? नहीं, अभी अभी पहले प्रथम दृश्य में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये सब जांच का विषय है। तो जली हुई हालत में मिली है बॉडी? कुछ करेगा कोई नहीं है सर, देख लो हमारे की बात, देख लो इतना बड़ा कांड हो रहा है सर, पत्तो छोड़ कोई भी नहीं आदमी, कुछ करेगा इस टाइम कोई भी नहीं आदमी है। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के कुंजपुरा थाना के अंतर्गत पड़ने वाले, आप देख सकते हैं एक डेरे पर हम मौजूद है और ये कोठड़ी आप देख सकते हैं जो जली हुई हालत में मिली है और यहाँ पर एक व्यक्ति का शव जो है, एक व्यक्ति की बॉडी जली हुई अवस्था में बरामद होती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हुई है। मामले की पूरी गहनता से जो है छानबीन की जा रही है कि आखिरकार ये मामला क्या कुछ हो सकता है। बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है, आप देख सकते हैं कैसे यह व्यक्ति जल गया, क्या किसी ने मारकर इसको जला दिया या क्या कुछ कारण है, जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन इस समय फोरेंसिक टीमें आप देख सकते हैं मौके पर पहुंची हुई हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे हुए हैं और सभी तरह के जो सबूत हैं उनको जुटाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, आप देख सकते हैं महिला की रो कर हालत बुरी है क्योंकि एक बहुत ही दुखद मामला है। क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये क्या मामला हो सकता है। कपड़े भी बरामद किए गए हैं, आप देख सकते हैं अंदर से जले हुए हालत में कपड़े बरामद किए गए हैं। शव को इस समय आप देख सकते हैं कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे हुए हैं, मौके से जो साक्ष्य हैं सबूत हैं वो जुटाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इस समय कुंजपुरा थाना के अंतर्गत पड़ने वाले गांव में हम मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले तो जानकारी ये मिली थी कि एक व्यक्ति का शव है, लेकिन अब जानकारी मिली है कि एक महिला का शव है, सोना देवी उनका नाम है, 61 साल उम्र है। परिवार के लोग कहीं गए हुए थे, इस समय आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद मामला है, क्या कुछ इसके पीछे कारण हो सकता है, जांच का विषय जरूर है। लेकिन एक महिला का शव बरामद होता है जली हुई हालत में, आप देख सकते हैं शव बरामद होता है, जिसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच जाते हैं। जो महिला के बाल है वो यहाँ से मिले हैं, कपड़े यहाँ पर जले हुए बरामद किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं फोरेंसिक टीमें जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और मामले की पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है। आप देख सकते हैं मामला कहीं ना कहीं गंभीर हो सकता है। माता जी, क्या लगता है कोई दुश्मनी है, किसी ने मारा है? इतना तो काम कभी भी नहीं कर सके दिया, इतने जोन ले उतरे उठते ही सुना। अरे जोन साहब, वो भी कल की मरी है, क्या तक कहा नहीं मरी है यार, तो कल का मरे ऐसी यार। बाहर गए हुए थे जी आप कहीं? पूरी या व्यक्ति में तो माज रखते हैं कोस में। भाई भी बग गया था यार, आई थी बापिया भी बग गई, कोई भतीजा नहीं भाई नहीं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मामला गंभीर हो सकता है, फोरेंसिक टीमें मामले की
पूरी गहनता से छानबीन करती हुई नजर आ रही हैं। फॉरेंसिक टीमों ने मौके से जो है सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं थाना SHO मौके पर हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर हैं और मामले की पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है। एक महिला का शव है, पहले जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति का शव है, लेकिन एक महिला का शव जली हुई हालत में इस कोठड़ी से बरामद होता है। आप देख सकते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर हैं, मौके से जो भी सबूत बरामद हुए हैं उनको भी जो है फॉरेंसिक टीमें इस समय अपने कब्जे में लेती हुई नजर जरूर आ रही हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला जरूर है कि आखिरकार क्या हुआ होगा, किसने किया होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप देख सकते हैं कपड़ों के साथ जो भी सबूत मौके से मिले हैं उनको इस समय फॉरेंसिक टीमें इकट्ठा करती हुई नजर आ रही है। थाना SHO मौके पर मौजूद हैं, जो परिवार के जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं शव वाहन के माध्यम से इस समय परिवार का कोई नहीं है। ओहो, परिवार के नहीं है। आप बताएं ये सोना देवी का शव कैसे हालत में बरामद हुआ है यहाँ पे? ये बिल्कुल डेड बॉडी में मिला, जली हुई हालत में मिला। तो यहाँ अकेली रहती थी वो? नहीं, इनके साथ रहती थी हमारी भांजी है जो इनकी मकान आई। तो वो कहाँ है सारे? बेहोश हो ही पड़ी वो, तो स्कूल में ड्यूटी टीचर थी। तो क्या कोई दुश्मनी लगती है आपको? क्या इनका मतलब वो डिस्प्यूट चल रहा था सरपंच के साथ, चल रहा था वो इनका एक किला है वहाँ, इनका पुलिस केस भी हुआ, सारा कुछ हुआ, मतलब बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था। दरखास्त दी था मेरे पास गए गाँव माजरे में, मैं भी स्कूल से हेडमास्टर रिटायर हो रहा जी, मेरे को सरपंच बुलाने गया भाई ऐसे ऐसे वहाँ ऐसे हो रहा, मगर जब सारा थल्ट तेरा है मैं क्या करूँगा वहाँ जाएगा, जब तेरा कसूर है सारा कुछ, और सारा कुछ कांड मतलब यू इस इन इनकी सहम सरपंच की सहम हो गया सारा कांड यू, तो कुछ मतलब इतने परेशान कर रखी थी मतलब यू लास्ट चांस था इसका। तो शादीशुदा थी? विडो थी। विडो थी, हाँ। बच्चे कहाँ रहते हैं? एक लड़की थी बस, ये घर वाला भी गुजर गया जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से विवाद बताया जा रहा है सरपंच से और क्या कुछ पूरा मामला है। बहुत मतलब इतना डिस्प्यूट हो रहा जी, ये किला है सर, चारों साइडों से इसकी डोल काट रखी बिल्कुल, मतलब अंदर ट्रैक्टर नहीं जान देता, इतनी परेशान थी मारे आम कमा दे बोबो तो रहने दे। तो क्या लगता है कि कोई क्या मार के जलाया किसी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब प्लान बना रखी थी, मतलब परेशान कर रखी थी 100% बिल्कुल भाई, परेशान हो आदमी कहाँ जाएगा, फिर प्लान बना रखी थी सारी। अर्थ देखो ना यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया यू, इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई यहाँ आई नहीं, हमने फोन करा हमारा फोन नहीं था, ना मरता इतला दी बिल्कुल भी किसी को भी, कुंजपुर वाले ने नहीं पता किसी को, इतने बड़े कांड में तो दुनिया ने पता लग जाए, अब प्रेस में डालोगे दुनिया ने पता लगेगा जी, लगेगा नहीं, पहले ही पता लगना चाहिए था इस कांड का। सरपंच वारिश होगा गांव का सरपंच, भाई बालो बन गया था या थी इसके लाला आज करे थे वो जागते फिर जिसका ट्यूबल है नहीं वो भी नहीं है जी, हाँ देखो मजे की बात, इतना बड़ा कांड हो रहा है, सब ना स्कीम करा किया किसी ने मारी है जरूर या जरूर मारी। तो दुश्मनी थी, जमीनी भी बात था कोई जमीनी का, तो उसमें किसी सरपंच की, सरपंच की बेइज्जती सी है, सरपंच का जेल में करवा कर जीप लिखड़ूंगा तने नहीं करती, नहीं सरपंच नहीं मरवाई जो जीप तक भी नहीं बड़ा काम का सरपंच बताई है का, कोई बच्चा ही नहीं आ रहा, कोई भी नहीं है देख ले कुंज पड़े का दिक्कत कोई। तो मामले की गहनता से छानबीन जरूर होनी चाहिए क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है। फॉरेंसिक टीमों ने मौके से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, पहले से गंभीर बन रहा था ये, तो लास्ट सिचुएशन में होया जो भी जैसे भी करया ना, मतलब जमीन जब 99% से ऊपर मामला चला गया, 100% पर पहुंच गया तो ये नचोड़ ही निकल गया, मतलब इसका मिलीभगत से सारा कुछ, तो बिल्कुल मिलीभगत के आरोप लगाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं फॉरेंसिक टीमें इतनी दफा इनकी मौके से तमाम तरह के सबूत जो है इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। फॉरेंसिक टीमें आप देख सकते हैं सैंपल जुटाती हुई नजर जरूर आ रही हैं। यहां से आप देख सकते हैं थाना कुंजपुरा SHO इस समय दर्शन सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। दर्शन जी क्या कुछ बताना चाहेंगे, एक महिला का शव जो है कोठड़ी से मिलता है जली हुई हालत में, क्या कुछ निकला मामले में? अभी अनुसंधान का विषय है और FSL टीम बुलाई गई है और अभी जांच जारी रहेगी, इसका बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। तो बता रहे हैं कि घर पे कोई नहीं था या जब हुआ यह हादसा? नहीं इसी बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये इनका ये कहना है, हमें हमारी जानकारी। तो बता रहे हैं कि जमीनी विवाद चल रहा है, मारी गई है, कोई साजिश के आरोप लगा रहे हैं? नहीं अभी अभी पहले प्रथम दृश्य में कुछ नहीं कहा जा सकता,
ये सब जांच का विषय है। तो जली हुई हालत में मिली है बॉडी? कुछ प्रेगा कोई नहीं है सर, देख लो हम जी की बात देख लो, इतना बड़ा कांड हो रहा है सर, पत्तो छोड़ कोई भी नहीं आदमी कुछ प्रेगा इस टाइम, कोई भी नहीं आदमी है, कोई भी कुछ प्रेगा आदमी सारी सरपंच का वो करे सारा काम, मतलब सरपंच सारे गांव ना एक तरफ मोड़ रहा है ऐसा लग रहा है अपना। क्या नाम है आपका? एसपी गुलिया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद मामला, आप देख सकते हैं फोरेंसिक टीमें मौके पर हैं, पुलिस की टीमें मौके पर हैं, मामले की छानबीन की जाएगी जिसके बाद ही जो है पता चल पाएगा कि आखिरकार कितने दिन पहले महिला की मौत हुई, क्या महिला को मारकर उसके शव को जलाया गया या कोई हादसा था या फिर क्या कोई और बड़ी साजिश थी। सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं इस कोठरी से जहां पर महिला का शव जो है जली हुई हालत में बरामद होता है, फोरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद हैं, पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और मामले की पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है। तो बिल्कुल बताया जा रहा है कि जिसकी एक कोठड़ी है जहां पर महिला का शव बरामद हुआ है वो भी यहां पर मौके पर मौजूद नहीं है, गांव का सरपंच यहां पर मौके पर मौजूद नहीं है, सरपंच की गैर सारे सरपंच की सारा सरपंच की मौजूदगी में आया जी सारा जी, उसकी मतलब प्लान आया बिल्कुल 100% मौके पर आना चाहिए सरपंच तो यहाँ जी, इतना बड़ी ट्रेजेडी हो रही मतलब इतना कितनी खोटड़ी जली पड़ी किसी ने पता ही नहीं है गाँव। कितनी जमीन थी महिला के नाम? एक किला जी, और चारों सरप से सरपंच की जमीन लगती है, एक साइड किसी और की लगा जी, चारों सरप से परेशान थी, ट्रैक्टर की नो एंट्री बंद कर रखा जी, उस किले का रास्ता नहीं है सड़क पीछा थाने में केस हुआ जी, उधर का हमने कसम करी सारा कुछ करया इसके इसका लिख दिया सारा फाल्ट, वच बच्चे पाड़े मारी सिस्टर ने इस मार उसके खेत में बना दिए जबरदस्ती, वच बच्चे पाड़े फिर जो बच्चे उसके खेत में लिख रहे जी नुकसानदेही हुई, वच बच्चे अपने खेत में बनाए सरपंच ने मतलब इतना परेशान कर रखी थी भाई, मैंने सरपंच से भी कहा था मेरे पास गया सरो मगा सरपंच यू किला आपका है, आज भी आपका है, कल भी आपका है, आप रल मिल कर रह लो, मैं उस बात का मौजूद आदमी, यू किला आपका है, धक्के तो नहीं मिलता हमारी बाण की तो मतलब इतनी थी नहीं, आप पूछो नहीं मतलब इतना वो था इसका मरण मरान ना तैयार थी इसके ऊपर, तो वह मन जो वो अकेले जाएगी वो बोई अकेले गई लेके किला जिया, इब सरपंच की हो गया नहीं किला तो यू बन जो सरपंच मालिक किले का, मैंने जो कहा मेरे पास कई दफ़ा मारे गांव के ना ले गया जी सिफारसी तौर पर, मगर सर आप मौके के सरपंच हो इस टाइम भी, पहले भी एक सरपंच रहे जी, कौन से गांव का सरपंच है? यही कुंजपुरा जी, मिंदर सिंह कुंजपुरा, पहले भी रहे जी, उनकी वाइफ है सरपंच स्वीता के नाम है जी उनका। तो बिल्कुल अगर सरपंच का रोल नहीं है तो उनको यहाँ पर मौके पर पहुंचना जरूर चाहिए था, आप देख सकते हैं लेकिन सरपंच मौके पर मौजूद नहीं है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर हैं, थाना एसएचओ मौके पर है, सभी तरह के जो सबूत हैं आप देख सकते हैं मौके से इकट्ठा किए जा रहे हैं कि क्या महिला की हत्या करके उनके शव को तो नहीं जलाया गया या क्या कुछ मामला हो सकता है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन ये भी पता नहीं है कि कितने दिन पहले ये जलाया गया आप देख सकते हैं, लेकिन इस समय थाना एसएचओ मौके पर है, फोरेंसिक टीमें मौके पर है, जब सभी तरह के सबूतों को आप देख सकते हैं इस समय फोरेंसिक टीमें इकट्ठा करती हुई नजर आ रही है, उसके बाद ही जो है कुछ पता चल पाएगा कि आखिरकार मामले के पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। जिस कोठड़ी में महिला का शव मिला है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से कस्सी से खोद खोद कर जो कपड़े अंदर मिले हैं, जो सबूत अंदर मिले हैं, उन सभी सबूतों को इकट्ठा करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर शायद मिल जाए, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर उसी कोठड़ी में मौजूद है, सभी तरह के जो सैंपल है वो जुटाए जा रहे हैं, थाना एसएचओ जो है मौके पर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं एक किला जमीन का विवाद भी बताया जा रहा है, एक किला जमीन का विवाद भी बताया जा रहा है, अब क्या कुछ इस मामले में निकलता है जांच का विषय जरूर है।